आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। राजीव गांधी चौराहा स्थित शुभकारज गार्डन रविवार को प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज के युवाओं के सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का साक्षी बन गया, जब वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नबटुकों ने न केवल अपने सिर मुंडवाए बल्कि विद्वानों के निर्देशन में अभिजीत मुहूर्त में यज्ञोपवीत भी धारण किए। इस दौरान बटुकों के मामा और अन्य परिजनों द्वारा उपनयन संस्कार के दौरान प्राचीन परंपरा के अनुरूप भागने और पकड़ने की क्रियाएं भी दिलचस्प बनी रही। समाज के लगभग 2500 बंधुओं ने इस समूचे प्रक्रिया को देखा, समझा और इसके महत्व को आत्मसात किया। सभी बटुकों ने अपने परिजनों, मामा एवं अन्य स्नेही जनों के साथ सनातनी वैदिक परंपराओं के पालन तथा इस वर्षा काल में अपने घर आंगन तथा आसपास के उपयुक्त स्थान पर 11-11 पौधे रोपने की शपथ भी ली। श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में पिछले कई दिनों से इस महोत्सव की तैयारियां की जा रही थी। आयोजन समिति के संयोजक प्रमोद ओझा, अध्यक्ष कुलदीप ओझा एवं सचिव धीरेन्द्र कुमार ओझा ने बताया कि इसके पूर्व भी पिछले 10 वर्षों में 3 उपनयन संस्कार संपन्न हो चुके हैं, जिनमें 125 बटुकों के यज्ञोपवीत किए गए। अब इस चतुर्थ आयोजन में 26 बटुकों के सामूहिक यज्ञोपवीत का आयोजन शास्त्रोक्त विधि से विद्वान आचार्यों के निर्देशन में किया गया। सुबह सबसे पहले गणेश पूजन, माता पूजन एवं हल्दी के पश्चात 9 से 11 बजे तक ग्रह शांति एवं 11 बजे से अभिजीत मुहूर्त में यज्ञोपवीत धारण करने के लिए शोभा यात्रा और समान समारोह रखा गया। शोभा यात्रा शुभकारज गार्डन से प्रारंभ होकर पास के शिव मंदिर तक निकाली गई। इस यात्रा में सभी बटुक और उनके परिजन भी शामिल रहे। शोभा यात्रा से यातायात में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचे, इसके लिए 11 सदस्यों की टीम तैनात की गई थी। इस बार इस महोत्सव में विश्व ब्राह्मण समाज और संघ के अध्यक्ष पंडित योगेंद्र महंत, अखिल भारतीय वर्षीय श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर राजस्थान के अध्यक्ष विदु शेखर दवे, अहमदाबाद के समाज सेवी एवं उद्योगपति मुकेश ओझा, रतलाम के पार्षद एवं MIC सदस्य धर्मेंद्र व्यास, रतलाम श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष नयन व्यास एवं उज्जैन के वरिष्ठ अभिभाषक और समाज सेवी रविन्द्र त्रिवेदी के आतिथ्य में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर समाज के संरक्षक रामचंद्र रामावत, श्रीमती आशा ओझा, सत्यनारायण व्यास, घनश्याम त्रिवेदी, राजेंद्र व्यास एवं मुकेश शर्मा भी समाज के संरक्षक के रूप में विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने समाज के विभिन्न प्रकल्पों में सहयोगी रहे बंधुओं का सम्मान भी किया। प्रारंभ में प्रमोद ओझा, कुलदीप ओझा, धीरेन्द्र कुमार ओझा, वीरेंद्र कोटिया, डॉक्टर दिनेश दवे, चंद्रेश दवे आदि ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के अन्य ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने भी शामिल होकर समाज बंधुओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर अतिथियों ने परिवार विवरण पुस्तिका का भी विमोचन किया। यहाँ पे एक सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन जो किया गया। जी हाँ जी, लगभग कितने समाज के बच्चे हैं जिनका आज उपनयन संस्कार यहाँ हो रहा है? आज 26 बटुकों का यहाँ सामूहिक उपनयन संस्कार हो रहा है। सभी विधि विधान से पंडित हरीश जोशी करवा रहे हैं और बहुत ही समग्र श्रीमाली ब्राह्मण समाज यहाँ उपस्थित है। इंदौर शहर का सभी आनंदपूर्वक इस कार्यक्रम को सम्पन्न कराने में सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे जितने भी बंधु बाहर से आए हैं, समाज का यह कौन सा वर्ष है इस तरह के? ये हमारा चतुर्थ उपनयन संस्कार है। वैसे हम 3-4 साल में एक बार करते हैं, क्योंकि इंदौर शहर में जो हमारा समाज है उसके अलावा बाहर मध्य प्रदेश के भी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, तो थोड़ा समय भी लगता है हमको और अच्छा आयोजन होता है हमको। अभी तक हम 151 बटुकों को उपनयन करवा चुके हैं। आजकल जहाँ युवा वर्ग जो है, बच्चे हैं, वो लगातार नशाखोरी और दूसरी प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो रहे हैं, ऐसे में समाज जो है धार्मिक एक बहुत बड़ा हिंदुओं का संस्कार है, वो बच्चों को दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल दे रहे हैं हम। और जैसे ही जनेऊ धारण करता है तो उसका दूसरा जन्म होता है ब्राह्मण के रूप में और दुष्ट से दूर रहता है। जो दोष होते हैं खाना पीना या अन्य प्रकार के जो दुर्गुण होते हैं उनसे काफ़ी दूर रहता है। आज जो 26 बच्चे हैं उपनयन संस्कार में कहाँ कहाँ से आते हैं? आज हमारे पास बम्बई, पुणे, बेंगलोर, भोपाल, उज्जैन और इंदौर शहर से। महत्वपूर्ण संस्कार है, क्या कहना चाहेंगे? 16 संस्कारों को माना जाता है आज, इसका आपके माध्यम से बच्चे देखिए, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और संन्यास। कहते हैं कि पहली स्टेप प्रातःकाल जब उठते हैं तो कहते हैं आज सुबह अच्छा हुई है तो दोपहर अच्छी होगी, शाम अच्छी होगी और रात्रि अच्छी होगी। तो ब्रह्मचर्य में जब प्रवेश किया जाता है यज्ञोपवीत संस्कार करके,
तो सूर्य को डेवलपमेंट करा जाता है। पत्रिका के अनुसार सूर्य जिसका मजबूत होता है उसकी प्रतिनिधित्व क्षमता, आगे वो गृहस्थ जीवन में रहे, व्यापार करे, व्यवसाय करे, कहीं भी रहे, लेकिन उसके संस्कार जो है प्रतिनिधित्व क्षमता सूर्य से डेवलप होती है। तो ब्रह्मचर्य के अंदर प्रवेश करा के सूर्य को एक्टिवेट किया जाता, गायत्री की उपासना बताई जाती है और प्रातःकाल अच्छा किया जाता जिससे उसकी आगे का गृहस्थ जीवन अच्छा रहे, वानप्रस्थ अच्छा रहे और संन्यास अच्छा रहे। यही हमारी भारतीय पद्धति है। श्री श्री माली समाज के माध्यम से 26 बच्चों को उपनयन संस्कार आप कर रहे हैं, क्या संदेश है आपका सभी के लिए? सभी के लिए यह है कि पहले जो व्यवस्था होती थी, एक ब्राह्मणत्व इतना मजबूत रहता था, प्रतिनिधित्व क्षमता इतनी बढ़िया रहती थी कि वो सबको गाइड कर सकता था, तो इसलिए आजकल प्रतिनिधित्व जो ब्राह्मणों का कम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, गायत्री की उपासना नहीं कर रहे हैं। तो 26 बटुकों से आपके माध्यम से सारे ब्राह्मणों को ये कहना है कि वो गायत्री की उपासना करें जिससे सूर्य मजबूत हो और पुनः वापस प्रतिनिधित्व अच्छा प्राप्त हो ब्राह्मण। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।